आधार को आधार कार्ड निकले हुए कम से कम 10 साल तो 10 साल हो गए हैं और ये आज भी लाइन में लगे हुए हैं। अभी बोले मोदी साहब बोलते हैं डिजिटल इंडिया ये ऐसी रहेगा डिजिटल इंडिया, और वहाँ पर वो जुबली पार्क में भगा रहे हैं, भैया तुम लोग क्यों लगा मास्क नहीं लगा, यहाँ भीड़ नहीं दिखाई दे रही इन लोगों को है, तो सब तो ढोंगपना है ना। वहाँ पर आप सब कर रहे हैं भैया कि वहाँ मत बैठिए हैं, सब एक साथ बैठेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे तो इतने बड़े बड़े सब बोलते हैं ये ऐसा ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो क्या ऑनलाइन है फिर, जब आधार कार्ड को आपने एकदम हर चीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया है, हर चीज़ के लिए कंपलसरी है आज तो, हर चीज़ के लिए आधार के लिए कंपलसरी, बिना आधार के आपका कोई काम ही नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। तो उसके लिए फिर ऐसा क्यों, बहुत सा काम फंसा हुआ मेरा अटका हुआ है, तो उसके लिए आया हुए है, तो यहाँ पर एक आदमी बोलता कि आप जहाँ से बैंक में बोले हैं वहीं पर कराइए, मेरा पास काया है, तो फिर आप लोग बंद कीजिए, एक आदमी इतना बड़ा काम संभालेगा, कोरोना बड़ा हुआ है, अभी भगजग हुआ मेरे से, हाँ बताइए बीमारी को तो आ रही है, आप लोग सरकारी डिपार्टमेंट मतलब बढ़ा रहे हैं, टाइम पे बनाया गया था, मैक्सिमम आदमी का कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि रखा हुआ है, वो हड़बड़ी में उस समय सबका बनाया हुआ था, किसी का नाम में कुछ गलत है, किसी का एड्रेस में गलत दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में गलत किया हुआ है, जिसका खामियाज भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार जोहर, मैं अभिषेक आप सभी दर्शकों का सोशल संवाद में स्वागत करता हूँ, और हमारे पीछे आप जो ये लाइन देख रहे हैं ये कोई मिठाई नहीं बट रहा है, करीब सालों निकल गए आधार कार्ड को सब जगह कंपलसरी करने के बाद भी आज ये स्थिति है कि लोग करेक्शन कराने के लिए लाइनों में खड़े हो रहे हैं, और ये लाइन अगर आप देखें तो जहाँ तक आपकी आँख जाएगी वहाँ तक आपको ये लाइन दिखाई देगा। ये है सरकारी योजनाओं का सच, अगर एक बार कोई आधार कार्ड बन के तैयार भी हो जाता है तो उसमें अगर कोई भी कमी मिलती है तो उसके लिए फिर उस इंसान को आधार कार्ड केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे फ़ोन नंबर चेंज कराना हो, हालांकि बहुत सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी अपडेट्स कराने हैं जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, नाम में करेक्शन कराने हैं, तो उसके लिए आपको आधार केंद्र आना होगा, और यहाँ पे करेक्शन नहीं हो रहा है, सुनिएगा, यहाँ पे करेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे टोकन बांटा जा रहा है, और टोकन भी अगले 8 से 10 दिन के बाद का टोकन मिलेगा लोगों को, फिर लोग आएंगे 20 दिन 22 दिन जैसा लोग यहाँ कह रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे करेक्शन किया जाएगा। आइए आम जनता से, आइए आपसे बात करेंगे सबसे पहले, हाँ एक सेकंड रुकिएगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आधार कितना ज़रूरी है आज के डेट में। जी बहुत ज़रूरी है। आपका अभी कोई काम फंसा हुआ है, अटका हुआ है आधार की वजह से? बहुत सा काम फंसा हुआ मेरा अटका हुआ है, तो उसके लिए आया हुए है, तो यहाँ पर एक आदमी बोलता कि आप जहाँ से बैंक में बोले हैं वहीं पर कराइए, मेरा पास काया है, तो फिर आप लोग बंद कीजिए, एक आदमी इतना बड़ा काम संभालेगा, कोरोना बड़ा हुआ है, अभी भगजग हुआ मेरे से, हाँ बताइए बीमारी को तो आ रही है, आप लोग सरकारी डिपार्टमेंट मतलब बढ़ा रहे हैं, भीड़ बुला के क्या कर रहे हैं बोलिए। तो देखिए लोगों की राय है, लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, और भी यहाँ लोग हैं उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पे कितनी देर हो गई लाइन में लगे हुए। एक घंटा सर, डेढ़ घंटा बात करेंगे, एक से डेढ़ घंटा। किस चीज़ के लिए आधार आज इतना ज़रूरी हो गया लोगों के लिए, आपको क्या दिक्कतें आ रही है आधार अपडेट नहीं हो रहा है तो? आधार के बिना हर जगह में वो मांग रहा है, एड्रेस गलत है, उसमें कुछ नाम में सुधार नहीं हो रहा है, तो उसमें हर जगह में उसमें प्रॉब्लम ही हो रहा है, उसको करेक्शन कराना ज़रूरी है, हर क्षेत्र में आजकल आधार के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अभी भी मतलब लाइन में लगे हैं, और फिर आज तो करेक्शन होगा नहीं, टोकन मिलेगा, आज टोकन देगा, फिर अगले डेट पे आके दोबारा से फिर से लाइन लगना, बिल्कुल फिर से। तो देखिए ये विडंबना है, आधार कार्ड निकाले हुए सरकार को करीब 5 से 6 से 10 साल भी हो गए होंगे, लेकिन ये विडंबना है, आज भी लोग लाइन में ही खड़े हैं उसका लाभ लेने के लिए, आज भी लोग इस तरह कतार में आपको खड़े हुए मिल जाएंगे। जिस टाइम पे बनाया गया था, मैक्सिमम आदमी का कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि रखा हुआ है, वो हड़बड़ी में उस समय सबका बनाया हुआ था, किसी का नाम में कुछ गलत है, किसी का एड्रेस में गलत दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में गलत किया हुआ है, जिसका खामियाज भुगतना पड़ रहा है, इसको आज सरकार को इसको कैंप लगा करके करना चाहिए, हर एरिया का कैंप लगा करके कर देना चाहिए काम को, पर्टिकुलर एक ही जगह में कह दिया, जिसका वजह इतना बड़ा लंबा भीड़ लग गया, इसमें आदमी को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लाइन पर लगना पड़ रहा है। यहाँ पे कितनी देर से खड़े हैं लाइन में? 3 घंटे से। तो क्या लगता है अब अगला डेट कब का मिलेगा टोकन का? अभी देखिए फॉर्म मिलेगा, उसके बाद वो बताएंगे कि कितना। क्या दिक्कत क्या है आपके आधार में, क्या दिक्कत है? मेरा आधार में यही दिक्कत है कि नाम गलत हो गया है। नाम गलत हो गया, उसकी वजह से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा? नहीं, जहाँ भी जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आधार कार्ड के लिए? 3 बार हो चुका है। उससे पहले भी कहीं ट्राई किए थे?
ठीक है, तो अबकी बार लगता है कि हो जाएगा? देखिए बोल तो रहे हैं कि सही हो जाएगा। तो देखिए ये लोगों की सरकारी सिस्टम को लेके जो लोगों के पास ये है कि हो जाएगा, लेकिन इनको भी ये लगता है कि होगा कि नहीं, उसमें भी इनको संभावनाएं कम है। देखिए लोग यहाँ अभी भी कतारबद्ध हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेके देखिए यहाँ लाइन में खड़े हैं, और ये सच्चाई है सरकार के जो योजनाएं हैं उसकी सच्चाई सोशल संवाद के कैमरे में आप देखिए। आधार कार्ड अगर हम कहें तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे PF निकालना हो, चाहे कुछ भी, बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर बच्चों का एडमिशन करवाने से लेकर, अगर छोटी से छोटी योजनाओं का लाभ चाहिए, गैस के लिए अगर पैसे चाहिए, और अभी तो झारखंड सरकार 25 रुपये सस्ता तेल देगी, तो उसके लिए भी आधार कार्ड और राशन कार्ड ज़रूरी होगा। तो लेकिन इन योजनाओं का लाभ लोगों को तभी मिलेगा जब सारी जो सुविधाएं हैं, जो नेम में करेक्शन है, वो सब चीज़ सही हो, पता सही हो, फ़ोन नंबर सही हो, तभी लाभ मिल पाएगा लोगों को। लेकिन लोग अभी यहाँ कतारबद्ध हैं और कोशिश में है कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही हो जाए और फिर जो लाभ है वो ले पाए। कितनी देर से खड़े हैं भैया? एक घंटे से। जोर से बोलिए। एक घंटे से खड़े हैं। क्या लगता है इस तरीके से लाभ होगा लोगों को? नहीं लगता है। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार जिस तरीके से आधार निकले हुए कितने दिन हो गए और उसके बाद भी अभी लोगों को, जिसका तो सुधार सब जगह अपना पर निर्भर होना चाहिए था, जहाँ जहाँ प्रतिज्ञा केंद्र बनाया है, लेकिन वहाँ नहीं हो पा रहा है। आधार निकले हुए तो बहुत साल हो गए, मतलब आधार जब निकलेशन बढ़ते जा रहा ना जी, आधार निकले तो बहुत दिन है, बहुत सारा गलत हो गया, उसको सीधा सीधा मतलब सुधारने में टाइम लग रहा है ना। तो कब बनवाया था आपने आधार? देखिए मेरा वाइफ का है जिसमें नाम गड़बड़ था, और बच्चा का है, बच्चा नया बनाना है, एक सुधार कराना है। देखिए ये लोगों की विडंबना है, 3 बजे से आए हुए हैं यहाँ पर खड़े, तब से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या क्या दिक्कत है आपके आधार कार्ड में? क्या दिक्कत है? एड्रेस चेंज कराना है, मेरा यहीं का। उसकी वजह से सुविधा नहीं मिल पा रही होगी जो सुविधा चाहिए आपको? सुविधा नहीं मिल पा रही है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, डेट ऑफ बर्थ सही कराना है, नंबर चढ़वाना है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो इस तरीके से धरातल पे उतर रही है, लोग अभी भी कतार में खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो है टाइम लिमिट बढ़ाना चाहिए, टाइम लिमिट बढ़ाएंगे तो सेंटर भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हाँ सेंटर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सेंटर एक होने के कारण ही इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। अभी जैसे कि बिष्टुपुर राम मंदिर गया तो सुबह में वहाँ 2 घंटे खड़े रहे, वहाँ पर उन्होंने बोला कि अभी नेट सर्वर फेल हो गया है, जिस कारण 2 घंटे भी हम लोग का टाइम उधर वेस्ट हो गया, और अभी इधर एक ही बच्चा हुआ तो इतने लंबे लाइन लग रहे हैं, वो भी एक दिन में पूरा ऑर्डर ले ले रहे हैं, डेली हो भी नहीं पा रहा कि आदमी थोड़ा थोड़ा करके डेली आए, एक ही दिन में जिसको नंबर लेना है और उसके बाद वो बुलाते रहेंगे, तो इसी कारण से इतना लंबा लाइन जो लग रहा है और दिक्कत हो रहा हम लोगों को। आधार कार्ड निकले हुए कम से कम 10 साल तो 10 साल हो गए हैं और ये आज भी लाइन में लगे हुए हैं। अभी बोले मोदी साहब बोलते हैं डिजिटल इंडिया, ये ऐसी रहेगा डिजिटल इंडिया, और वहाँ पर वो जुबली पार्क में भगा रहे हैं, भैया तुम लोग क्यों लगा मास्क नहीं लगा, यहाँ भीड़ नहीं दिखाई दे रही इन लोगों को है, तो सब तो ढोंगपना है ना। वहाँ पर आप सब कर रहे हैं भैया कि वहाँ मत बैठिए हैं, सब एक साथ बैठे हुए तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्यों बैठे? 43 केस आए हैं कोविड के जमशेदपुर में। तो फिर अभी यहाँ पर कोई कोविड केस नहीं है, यहाँ के लिए कोविड केस नहीं होगा क्या? मतलब ये सब एकदम मतलब ऐसे तो इतने बड़े बड़े सब बोलते हैं ये सब ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो क्या ऑनलाइन है फिर? जब आधार कार्ड को आपने एकदम हर चीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया, हर चीज़ के लिए कंपलसरी है आज तो, हर चीज़ के लिए आधार के लिए कंपलसरी, बिना आधार के आपका कोई काम ही नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। तो उसके लिए फिर ऐसा क्यों? जैसे आपको अभी आपने कोविड के लिए यहाँ पे किन्नर स्टेडियम में किया, कितना अच्छा इंतजाम, जो चीज़ अच्छा किया वो चीज़ के लिए अच्छा बोलेंगे। आप जाइए आराम से लगाइए, वैक्सीनेशन लगाइए, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन जब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है आधार कार्ड, उसके लिए इतनी लंबी लाइन लग रही है, तो ये क्या लॉजिक है, क्या कुछ समझ में थोड़ी आए? तो ये तो चीज़ देखिए लोगों की जो भावनाएं वो बहुत सही है कि आज भी करीब 10 साल हो गए आधार कार्ड जब सरकार ने अपनी योजनाओं में शामिल किया था कि इसी के द्वारा चाहे बैंक ट्रांसफ़र हो चाहे बाकी चीज़ हो, लेकिन 10 साल बाद भी जो भारत के लोग हैं, जनता है, वो आज भी कतार में खड़े हैं। देखिए बूढ़े बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं। सर क्या होगा इस तरीके से लाइन में कब तक लगिएगा? बात ये हो गया, देखिए ये कोरोना बोल के चीज़ है, यहाँ कुछ है, यहाँ
लग रहा है आपको कोरोना बोल के कुछ है? नहीं, कोई चीज नहीं है। नहीं लग रहा है ना, तब इसी करके खड़ा होकर क्या फायदा है बताइए? ऑनलाइन में तो सब हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा वो चीज? कोई तो होना चाहिए था। इतना परेशानी में सब, इतना आदमी यहाँ खड़े हैं, इतना टाइम दे के यहाँ खड़े हैं, सभी का तो दो रोटी रोजगार रहता ही है, तो इसमें से क्या फायदा? वो छोड़ के वो यहाँ आ गया, कोई फायदा हुआ उसका? अभी भी देखिए, हम देखिए करीबन एक घंटा हो गया हम यहाँ खड़े हैं, लाइन इधर से इधर नहीं हो रहा है, कब होगा कोई ठिकाना नहीं है। सब कुछ सरकार को देखना चाहिए, ऐसे करके नहीं होने से अच्छा है। देखिए, लोगों का कहना है कि सब चीज़ के लिए आज आधार ज़रूरी है, और आधार के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। जी हाँ, आधार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे बिजली का बिल जमा करना हो उसके लिए आधार कार्ड, और बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, चाहे बैंक से पैसा निकालना हो, चाहे किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करना हो तो आधार कार्ड ज़रूरी है। लेकिन ये लाइन आपको सच्चाई अलग दिखाती है। डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हमारे जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है और हर चीज़ डिजिटलाइज होगा, और हर चीज़ों में लोग अब ट्रांजैक्शन से लेकर सब कुछ ऑनलाइन कर सकेंगे। लेकिन ये देखकर ये लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है देश को बदलने के लिए, और यहाँ के जो नियम कानून है उसको बदलने के लिए, क्योंकि ये लोग जो अभी लगे हैं ये करीब 6 से 7 बजे तक यहाँ लगे रहेंगे, तब जाके इनका टोकन आएगा। अगर बैंक बंद हो जाता है तो फिर दोबारा से इस लाइन में लगेंगे और यहाँ से टोकन लेने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की लाइफ को शेयर करिए, इस तरीके की जो वीडियोज़ हम बनाते हैं उसको शेयर करिए, और सरकार के उन बाशिंदों तक पहुँचाइए जिनके कान पे जू रहेंगे, और उसके बाद वो इस तरीके के व्यवस्था को बदलने की कोशिश करें। देखते रहिए सोशल संवाद, मैं अभिषेक अपने सहयोगी आकाश के साथ। जय हिंद दोस्तों।